ये मेरी लाइफ का सबसे रॉयल एक्सपीरियंस है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूं जयपुर के रामबाग पैलेस में। एक तरफ है सारे आलीशान होटल्स और दूसरी तरफ है रामबाग पैलेस, और आज हम रहने वाले हैं यहाँ के आलीशान कमरे में और यहाँ के शाही खाने का स्वाद भी लेंगे। जैसे ही आप अंदर आते हैं, आपका स्वागत किया जाता है गुलाब की पंखुड़ियों से। आते ही आपको हर दिशा में मोर नज़र आएंगे, और यहाँ के बगीचे और इस पूरे राजमहल की रचना बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। सकते हैं यहाँ का बेड, ऐसा शाही बेड तो मैंने आज तक नहीं देखा। और यहाँ के साइड टेबल्स जो चांदी के लग रहे हैं, चमक तो पूरी है और डिजाइन भी बहुत सुंदर है। इसके ऊपर किए गए आईने के काम की वजह से ये और भी ज्यादा चमक रहे हैं। कमरे की सीलिंग और दीवार पर भी इसी तरह का मिरर वर्क है। लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा जगह है ये खिड़की वाला सोफा। यहाँ से आप इस महल के चौक का नज़ारा देख सकते हैं। चौक में झरने और हर तरफ हरियाली है। यहाँ पर एक स्टडी टेबल भी है। इस पर रखे हुए लैंप पर बहुत ही बारीकी का काम किया गया है। और यहाँ पर है फ्रिज, हॉट वाटर की कैटल और चाय का काउंटर। चलिए ड्रेसिंग एरिया में चलते हैं। यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, और ये तो एक पूरा ड्रेसिंग रूम है। और इस कमरे में बैठकर एकदम रानियों के जैसे तैयार होने का मज़ा मैं डेफिनेटली लेने वाली हूँ। अब मुझे जो देखने की सबसे ज़्यादा उत्सुकता है, वहाँ चलते हैं, बाथरूम। हर ताज के बाथरूम में हमेशा कुछ ना कुछ नया और अलग होता है। यहाँ का बाथ टब, वॉश बेसिन और ये कोस्टर तक, हर चीज़ को एक रॉयल टच दिया गया है। यहाँ सारी ज़रूरी टॉयलेट्रीज हैं। इस तरह की अलग पैकेजिंग मैंने किसी और ताज में नहीं देखी। ये सब देख के मैं इतनी ज़्यादा एक्साइट हो गई हूँ, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। मेरी दाई ओर आप देख सकते हैं विंटेज गाड़ियाँ। 200 साल पहले ये जगह बनाई गई थी महाराजाओं के लिए। जब वो शिकार पर निकलते थे तब यहाँ अक्सर ठहरते थे। यहाँ हर तरफ मोर नजर आ रहे हैं। मेरी बाई ओर है स्टीम रेस्टोरेंट और उसके पूरी तरफ हरियाली ही हरियाली है। आगे इन शॉप्स में आप गहने, सुविनियर वगैरह खरीद सकते हैं। मैं अब इस गार्डन में जा रही हूँ, उस झरने के पास जो गार्डन के बीचों बीच है। उससे इतनी दूर चलकर भी उसके हल्के हल्के पानी के छींटे आ रहे हैं और ताजगी महसूस होती है। इस गार्डन में तो हर जगह मोर है, करीब करीब 10 मोर है वहां। खूबसूरत सीनरी से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। इस पैलेस का हर कोना जैसे सुंदर सुंदर फोटोज लेने के लिए बनाया गया है। कितनी अच्छी तरह से गार्डन्स, फाउंटेन सब मेंटेन किए हैं। शाम में दिए का आगमन होता है और मुझे लगता है कि रात में तो ये जगह और भी चमक उठती है। मैं अब आई हूँ स्वर्ण महल में, जहाँ मैं एक्सपीरियंस करूँगी फाइन डाइनिंग या फिर शाही भोजन।
सुवर्ण अपने नाम की तरह यहाँ का डिनर वेयर भी सोने का है। 18 कैरेट सोने की परत है ये। सालों पहले असली सोने की प्लेट्स में खाना सिर्फ राजघराने खाते थे, लेकिन यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस सभी मेहमान ले सकते हैं। ये रेस्टोरेंट पहले सिर्फ महाराजाओं का प्राइवेट डाइनिंग रूम हुआ करता था, और तब यहाँ पर इतने सारे टेबल्स नहीं थे, पर एक बहुत ही बड़ा टेबल हुआ करता था जहाँ पर तकरीबन 80 लोग बैठ सकते थे। सही सुना आपने, 80 लोग सब साथ मिलकर इस आलीशान रूम में खाना खाते थे, और हर एक का एक प्राइवेट बटलर हुआ करता था। उस समय का खाना मतलब सिर्फ एक साधारण सी थाली नहीं, 56 भोग लेवल की थाली हुआ करती थी। उस जमाने से अब तक ये जगह बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये इटली में बनाया झूमर जब यहाँ बिजली नहीं थी तब से है, तब उसमें मोमबत्तियाँ लगाई जाती थी और अभी इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। इनमें से कुछ झूमर परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, पर वो अभी यहाँ हैं, जिससे इस जगह की ओरिजिनैलिटी बरकरार है। यहाँ के आखिरी महाराजा पोलो खेल के फैन थे, और इसीलिए उन्होंने यहाँ के लैम्प्स ट्रॉफी जैसे बनाए हैं। रूम की सीलिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके चारों ओर चार अलग अलग पेंटिंग्स हैं, और हर पेंटिंग में मौसम दिखाए गए हैं, वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी। और बीच में जो तीन पेंटिंग हैं वो दिन के तीन अलग समय दिखाती हैं। यहाँ नीचे एक आलीशान गुलाबी कार्पेट है, और इसका जो ओरिजिनल वाला था वो पर्शिया से था, पर ये वाला कश्मीर से है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा कमरा है, और ये एक कार्पेट सिंगल पीस का है, पूरे रूम में यही एक सिंगल पीस है। यहाँ की दीवार पर जो डिजाइन है ये वॉलपेपर नहीं बल्कि सिल्क है। ये सारी चीजें इतनी सिंपल होते हुए भी इस रूम का शाही अंदाज बरकरार रखती हैं। मैं कई रेस्टोरेंट्स में गई हूँ, लेकिन इसकी बराबरी तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर एक खास बात यह है कि आपके बैग के लिए भी छोटी सी सीट है। मैं आज खाने वाली हूँ सुवर्ण महल रॉयल थाली। आप देख सकते हैं इन कटलरी और प्लेट्स पर सोने की प्लेटिंग है, और ये थोड़े भारी भी है। ये डिनर वेयर वर्साचे ने डिज़ाइन किया है। मैं अभी सोने के ग्लास में पानी पी रही हूँ और एकदम रॉयल्टी जैसे महसूस कर रही हूँ। इस टेबल पर ये कैंडल होल्डर और छोटी डिबिया भी सोने की है। हमारी थाली अभी आ रही है, लेकिन उसके पहले आया है हमारा पापड़ का प्लेटर। इसमें तली हुई मिर्च और मेथी खाखरा है, इसके साथ एक सरसों का डिप भी दिया है। अभी वक्त हो गया है ये एपेटाइजर टेस्ट करने का। इसमें एक बहुत ही बड़ा पीस है पनीर का, और उसे कहते हैं हसरते हुस्न। पनीर के अंदर शायद कटे हुए काजू पिस्ते हैं जो इस डिश को एक शाही अंदाज देते हैं। इसके साथ भी इस चटनी में अलग अलग फ्लेवर्स भरे हुए हैं। अब खाते हैं ये हरा भरा कबाब। ये तो मेरे मुंह में पूरी तरह पिघल गया। इसे असल में कहा जाता है सब्ज हरा कबाब। इसमें सब्जी, दाल, मटर और लहसुन की टेस्ट है। मैं तो नाराज हो गई जब वो मेरी सोने की प्लेट उठा लेकर गए, लेकिन अब तो पूरी की पूरी सोने की थाली आ गई। इसमें तो कटोरी भी सोने की है। अब देखते हैं इस थाली में क्या क्या है। ये है सैलेड, पनीर सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, मटर, पालक कॉर्न, काली दाल, रायता, हरे मटर का पराठा, पुदीना पराठा, नान और चावल। ये चावल भी थोड़े अलग हैं क्योंकि ढक्कन खोलते ही इसमें से केसर की महक आ गई। पहले मैं खा रही हूँ मटर का पराठा और पालक कॉर्न, उसे कहा जाता है मकई शहजादी। इसमें लहसुन और अदरक का स्वाद ज़्यादा है। अब मैं ट्राई कर रही हूँ मटर सब्जी या खुम्ब मटर। इसमें खुम्ब मतलब मशरूम है, लेकिन मुझे मशरूम इतना ज़्यादा पसंद नहीं। अब मैं ट्राई कर रही हूँ निज़ामी सब्ज़ हंडी जो है मिक्स वेज। इसमें मटर, फूलगोभी, आलू टमाटर और खड़े मसाले का स्वाद है। इसकी ग्रेवी कुछ ज़्यादा खट्टी या ज़्यादा मीठी नहीं है, एकदम बैलेंस्ड है। अब ये है पुदीना पराठा और पनीर, इसे कहते हैं ढूंगर पनीर। इसमें थोड़ी सी मिठास है लेकिन ग्रेवी तीखी है। इसमें बहुत सारे पनीर के टुकड़े हैं। अब तक मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है वो है सब्ज निज़ामी। ये थाली आप आराम से बैठकर हर चीज़ का आनंद लेते हुए खा सकते हैं। रायता ट्राई करना तो मैं भूल ही गई, इसमें प्याज, टमाटर और ककड़ी है। रायता खाने के बाद ही खाना पूरा हुआ ऐसा मुझे लगता है। आपको ऐसा लगता है रायते के बारे में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मैं खा रही हूँ राइस जिसे कहते हैं खुस्का, यानी कि केसर वाले चावल।
ये मैं खा रही हूँ दाल मखनी के साथ। दाल मखनी को यहाँ दाल सुवर्ण का नाम दिया है। इसे बनाने के लिए काली दाल, टमाटर और प्याज को 12 घंटे तंदूर पर पकाया जाता है। सिर्फ चावल की टेस्ट भी लाजवाब है और ये तो एक बहुत ही अमेजिंग थाली रही। हमारा मेन कोर्स पूरा हो चुका है। अगला कोर्स आने के पहले हमें ये फिंगर बोल दिया गया है। सभी जगह हम देखते हैं फिंगर बोल में नींबू होते हैं, लेकिन इसमें है गुलाब की पत्ती। ऐसा लग रहा है मैं गुलाब जल से हाथ धो रही हूँ। अब टाइम है मीठे का। हम खा रहे हैं बादाम हलवा, शाही टुकड़ा और मालपुआ रबड़ी। 2 मिनट रुककर सिर्फ ये प्लेटिंग देखना चाहती हूँ। कितनी प्यारी प्लेटिंग है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी केसर है और ये मालपुआ तो काफ़ी भारी है और रबड़ी से भरा हुआ है। इसे खाते ही रबड़ी और घी का स्वाद आता है। अब खाते हैं शाही टुकड़ा। ये एक ब्रेड की मिठाई है, इसमें गुलाब और चाशनी की टेस्ट है। और अब आखिर में है बादाम हलवा। इसमें बहुत ही ज़्यादा घी है और केसर के छोटे छोटे पीसेस हैं। सच में ऐसी थाली मैंने तो पहले कहीं नहीं खाई। बाहर जाने से पहले आखिरी चीज़ जिसके बिना हर भारतीय मील अधूरा है, मुखवास। ये एक अलग ही डाइनिंग एक्सपीरियंस था और अगर आप जयपुर आ रहे हैं, रामबाग पैलेस में ठहर रहे हैं, तो यहाँ के खाने का स्वाद ज़रूर लें। यहाँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप पूरी थाली नहीं खाना चाहते तो आप अला कार्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने जो थाली खाई उसकी कीमत हुई 6,000 रुपये प्लस टैक्सेस। इस रेस्टोरेंट की सारी जानकारी और लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ प्रिंस के स्वीट में। इसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए है प्रति रात। और यहाँ पर अलग अलग स्वीट्स हैं और जो महारानी स्वीट है उसकी कीमत आप समझ लो 10 लाख प्रति रात है। रात में रामबाग पैलेस की सुंदरता के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है। आप खुद ही देख लीजिए ये कितना प्यारा लगता है। गुड मॉर्निंग। अभी मैं आई हूँ राजपूत रूम में नाश्ते के लिए। जब मैंने इसके बारे में सुना था, मुझे यहाँ आकर खाने की बहुत इच्छा थी और अब वो पूरी हो रही है। बुफे में अलग अलग तरह के फल हैं, कीवी, अमरूद, पपीता, तरबूज और हमस, सीरियल, अखे फल यानी कि होल फ्रूट्स, म्यूसली वगैरह भी है। और गर्मा गर्म नाश्ते में है इडली सांभर, पूरी भाजी, साबुदाना वड़ा, उपमा, चीज़ क्रैकर्स, फ्रेश जूस और मीठे में केक, क्रोसों, ये सब है। ऐसे ब्रेकफास्ट से दिन की शुरुआत करने का मज़ा ही अलग है। अगर ब्रेकफास्ट में इडली और सांभर है तो मैं तो ट्राई ज़रूर करती हूँ। अगले कोर्स में मैं ट्राई कर रही हूँ पूरी भाजी और इसकी भाजी बहुत ही अलग है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सफ़ेद आलू की सब्जी देखी है। इसके साथ साबुदाना वड़ा और पोटैटो क्रिस्पीज भी हैं। मैं शुरू करूँगी क्रिस्पीज के साथ और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा है पर अंदर से एकदम नरम। हल्का सा लहसुन और चिली फ्लेक्स का स्वाद है इसमें। अब हम पूरी भाजी ट्राई करते हैं। पूरी में शायद धनिया डाला है। मैंने ऐसी बटरी पूरी भाजी तो कहीं नहीं खाई। अपने आप में बहुत ही सिंपल फ्लेवर है भाजी का, लेकिन जब आप इसे गरम गरम पूरी के साथ खाते हैं ना, इसकी टेस्ट कुछ अलग हो जाती है। साबुदाना वड़ा गरम और क्रिस्पी है, इसके लिए मुझे तो बहुत पसंद आया। अब हम ट्राई करेंगे ये चांदी की थाली। ये सब खा के मेरी ही चांदी होनी है। इसमें है राजस्थानी स्पेशलिटी मिर्ची बड़ा, समोसा, प्याज की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी और यह है पालक का पकोड़ा। और इस सब के साथ खाने के लिए दी गई है चटनी, कड़ी, फरसान और छुंदा। पहले हम ट्राई करेंगे मिर्ची बड़ा। ये एक मिर्ची है जिसमें आलू की स्टफिंग है और बेसन लगाकर इसे डीप फ्राई किया जाता है। इसमें आपको बेसन, मिर्ची और आलू के लेयर्स नजर आएंगे। अलग अलग मसाले हैं इसमें पर ज़्यादा तीखापन नहीं है। वाओ, मेरा तो दिन ही बन गया। इसमें सबसे ज़्यादा स्वाद आता है धनिया और काली मिर्च का। अब मैं ट्राई कर रही हूँ प्याज की कचौरी। इसके अंदर प्याज, आलू और मसाले की फिलिंग है। कचौरी का टेक्सचर भी एकदम खस्ता है। मैं इसे खा रही हूँ कढ़ी के साथ। मुझे पता है ये बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन दिलचस्प है। दूसरी कचौरी जो है दाल की कचौरी और इसमें अलग अलग दाल की स्टफिंग है और मसालों का टेस्ट भी है हल्का सा। अब खाते हैं फरसान, खट्टा मीठा तीखा फ्लेवर।
ये पालक पकोड़ा भी है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा मोटा सा चंकी सा है, मुझे ये चटनी के साथ ज्यादा पसंद आया। अब समोसे की बारी, मुझे इसकी साइज बहुत पसंद आई। समोसा खाते ही पहली टेस्ट जो आती है वो है अदरक और सौंफ की। राजस्थान खासकर जयपुर के खाने में सौंफ का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, कचौड़ियों में भी सौंफ की टेस्ट आ रही थी। इस सब को एंजॉय करने के बाद एक ही चीज बाकी है, वो है चाय। राजपूत रूम में खाना खाते वक्त ऐसे लगता है कि हम राजघराने के लोगों के साथ बैठकर खा रहे हैं। हर तरफ शाही परिवार की पेंटिंग्स है। इस जगह में बहुत ही नाजुक और अनोखा चार्म है। ऐसे माहौल में ब्रेकफास्ट करते हुए और रामबाग के चौक का नजारा देखते हुए एक अलग ही अनुभव होता है। ये ब्रेकफास्ट भी मेरे स्टे पैकेज का हिस्सा था। इसके बारे में मैंने जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यहाँ की लोकल स्पेशलिटीज जो अभी हमने देखी उसके अलावा भी बहुत वैरायटी है ब्रेकफास्ट में, दोनों वेज और नॉन वेज में। मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारा इस शाही कमरे को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। पिछले 20 घंटे मैंने एक रानी की तरह बिताए हैं। रामबाग पैलेस की शानदार कलाकारी और भव्य आर्किटेक्चर सभी को आकर्षित करता है। मैं तो हर मिनट इसकी सुंदरता में खोई रही। फूलों वाला स्वागत, यहाँ की बग्गी राइड, नाचते हुए मोर, इन चीज़ों का कोई मोल नहीं। ताज टीम की सर्विस और खातिरदारी की मैं बहुत प्रशंसक हूँ और ऐसी हॉस्पिटैलिटी और रामबाग की शानदार रचना आपको एक अनोखा अनुभव देंगी, ये मेरा वादा है। इस प्रॉपर्टी की एक खास बात है इसका बहुत बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल और इसके अलावा यहाँ आउटडोर पूल भी है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है लेकिन अब ये सिर्फ प्राइवेट गैदरिंग्स के लिए होता है और यहाँ ओरिएंटल खाना सर्व किया जाता है। और यहाँ के शो पीसेस आप देखिए, इतना बारीकी का काम है। यहाँ रखी कई चीज़ें शाही परिवार के ज़माने की हैं। ये है पोलो बार और यहाँ का माहौल ड्रिंक्स और गपशप के लिए परफेक्ट है। ये शायद रामबाग पैलेस का सबसे ओल्ड फैशन हिस्सा है लेकिन माहौल एकदम कमाल है। ये एक मूवेबल बार है, यानी कि पूरी तरह से फोल्ड करके अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा बार पैक किया जाता है और इसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और अब ये है जयपुर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में से एक, स्टीम रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट एक ट्रेन के जैसा बनाया गया है और उसमें असली रिस्टोर्ड स्टीम इंजन भी है। ट्रेन के बाहर एक विक्टोरियन थीम का स्टेशन भी है। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे खुल जाता है और आप यहाँ पर खा सकते हैं सूप, पिज्जा, फ्राइज, ऐसे टाइप का कम्फर्ट फूड। जिस रूम में मैं ठहरी हूँ उसकी कीमत लगभग 35 या 40 हज़ार है और इस रूम की कुछ चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय की, जैसे कि कोर्टयार्ड का व्यू, यहाँ बैठकर कबूतरों को उड़ते देखना। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। रूम में की गई छोटी छोटी डिटेलिंग, जैसे कि ये डिज़ाइन असल में एसी के वेंट्स है और ये दरवाजे पर लगने वाली रस्सियाँ लाल वाली डू नॉट डिस्टर्ब है और हरी वाली क्लीन माई रूम के लिए है। इंटरेस्टिंग ना। और सबसे ज़्यादा तो मैं मिस करूँगी इस ड्रेसिंग एरिया को। तो ये था मेरा जयपुर के रामबाग पैलेस, सुवर्ण महल और स्टीम रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जयपुर को अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।